अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि जैसलमेर से जोधपुर के लिए वो रवाना होने से पहले गहलोत ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में दुगने जोश से काम करेंगे। विधायकों के संबंध अच्छे बने हैं, सभी ने एकजुट होकर प्रदेश के विकास का संकल्प लिया है। वहीं गहलोत ने कहा कि कुछ विधायक नाराज हैं, उन्हें समझाया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बार सहन भी करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर गहलोत ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब भूलो और माफ करो की स्थिति में रहना होगा, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके हमारी सरकार बनाई थी। ऐसे में हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस विश्वास को कायम रखें। भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने का वो कभी पूरा नहीं होना चाहिए। ये राहुल गांधी का भी सोच है, सोनिया गांधी का सोच है, हम सबका सोच है। उस पर उनके नेतृत्व में चलेंगे और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कितने बड़ा संघर्ष करना पड़े हम चूकेंगे। गहलोत खेमे के विधायक जैसलमेर से जयपुर पहुंचने वाले हैं। जैसलमेर से सूर्यगढ़ होटल से विधायक बसों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचे और जयपुर के लिए रवाना हुए। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र के चलते विधायकों को आज जयपुर लाया जा रहा है। प्रताप जी ने कह दिया, देखो षड्यंत्र हरा है, सत्य जीता है। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था, सत्य में जीत, सत्य की हमेशा जीत होगी। जो लोग हमारे साथी थे कि षड्यंत्र में आ गए, अब सुबह का बुला दी शाम को घर आता है, तो वो भी हमारे साथी हैं। इसलिए हम तो जैसलमेर के सौभाग्यशाली आदमी हैं कि पूरी सरकार को एक मौका मिला यहाँ आए। उनका हमने जो हमें मान सम्मान, जैसलमेर की मारवाड़ की रीति होती है, आए हुए मेहमान को मान सम्मान आदर देना, तो हमें चलिए। इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दशरथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी दशरथ, यहाँ पे गहलोत खेमे के विधायक 14 अगस्त को विधानसभा सत्र के चलते जयपुर लौट रहे हैं, और वहीं दशरथ जो कि खींचतान कांग्रेस के बीच में चल रही थी, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो जो एक महीने से हो रहा था वो सब कुछ क्या था? देखिए ऋषा, निश्चित तौर पे जैसलमेर से ये तमाम जो कांग्रेस के एमएलए मंत्री हैं ये रवाना हो चुके हैं और तकरीबन 35 से 40 मिनट बाद यानी 12:35-12:40 के आसपास यहाँ लैंड हो जाएंगे और सीधे यहाँ से इनके को तमाम जो अलग अलग एमएलए हैं उनको 2 से 3 बसों में भरकर और फेयरमोंट होटल है दिल्ली रोड पर वहां लेके जाया जाएगा और 2 दिन वहीं रखा जाएगा। और कुल मिलाकर अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो जिस तरह सचिन पायलट की वापसी हुई है, उनके साथ तमाम जो एमएलए गए थे उनकी वापसी हुई है निश्चित तौर पर। उसके बाद गहलोत कैंप की तरफ से जो तमाम एमएलए हैं उनकी तरफ से, मंत्रियों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आता उसको भूला नहीं कहते। तो कुल मिलाकर पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही थी, हालांकि ये कितनी दिन के लिए थमी है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे वो इतने आसान नजर नहीं आते। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो फिलहाल पूरी सरकार सेफ नजर आ रही है और 14 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू होना है उसके लिए 2 दिन पहले तमाम इन एमएलए को जैसलमेर में ठहराया गया था, उनको वापस यहां लाया जा रहा है और यहां से सीधा होटल लेके जाया जाएगा और वहां पर ये रहेंगे। वहां से सीधे 14 तारीख को सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र आहूत होना है, वहीं वो पहुंचेंगे। ऋषा, दशरथ, ऐसे में विधायक भी कई इसमें नाराज हैं क्योंकि एक महीने का वक्त जो बर्बाद हुआ है, अगर उन्हें वापसी करनी ही थी और उन्हें वापसी देनी ही थी तो एक महीने का समय क्यों बर्बाद किया गया? देखिए, ये विधायकों की अपनी नाराजगी हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी होटल के अंदर, उसमें साफ किया था कि आला कमान का जो निर्णय है वो सर्वमान्य निर्णय है, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता।
तो ऐसे में जिस तरह का निर्णय आलाकमान की तरफ से पायलट कैंप को लेकर लिया गया है, निसंदेह उसको स्वीकार करना होगा और करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी के काम नहीं हो रहे थे, कल उन्होंने कहा था काम नहीं हो रहे थे या शिकायतें थी, तो उनको दूर करने का प्रयास वो अब करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि केंद्रीय इकाई की तरफ से जो रोडमैप अब तैयार किया गया है, 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी काम देखेगी। और सचिन पायलट ने भी कल जब हमसे बातचीत की थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि उनके कुछ इश्यूज थे, इश्यूज को लेकर उन्होंने आलाकमान से समक्ष अपनी बात रखी। उन्हें उम्मीद है कि तमाम जो चीजें रखी हैं वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। ऋषा दशरथ, इसी बीच दो सवाल यहाँ पर बहुत अहम खड़े हो रहे हैं, और वो दो सवाल ये हैं कि अब सचिन पायलट को कौन सा पद मिलेगा। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सचिन पायलट कौन से पद पर रहेंगे, और दूसरा सवाल ये है कि सचिन पायलट किसी भी पद पर रहें, उनके और गहलोत के बीच में जो गर्मा गर्मी थी, जो खींचतान थी, उसके चलते वो दोनों एक साथ काम कैसे करेंगे। जी दशरथ, देखिए मुझे नहीं लगता सचिन पायलट कोई पद लेंगे, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट ने कल भी कहा था कि वो विधायक के तौर पर ही काम कर सकते हैं, पद की उनकी कोई लालसा नहीं है। हालांकि ये तय करने का काम एआईसीसी का है, कांग्रेस की सुप्रीम लीडरशिप है उसका है, लेकिन उनके कैंप के कई विधायक आपको मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। विधानसभा के सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा, तब उनके कई जो एमएलए हैं वो आपको मंत्रिमंडल के चेहरे के रूप में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल वो खुद को अपने आप से अलग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो विधायक के तौर पे राजस्थान की जनता के लिए काम करते रहेंगे, और जो वादे 5 साल पहले उन्होंने पीसीसी चीफ के पद पर रहते वक्त राजस्थान की जनता से किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए वो लगातार प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो कुल मिलाकर पायलट कैंप की तरफ से अगर बात की जाए तो उनके कुछ एमएलए मंत्री बनेंगे निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है, जबकि सचिन पायलट एमएलए के तौर पर काम करेंगे। हालांकि हो सकता है एआईसीसी की तरफ से उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, खबरें ये आ रही कि उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और वो राजस्थान में लगातार कह सकते हैं दौरे करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ तमाम जानकारी के लिए। तो 14 अगस्त विधानसभा सत्र के चलते विधायकों को आज जयपुर लाया जा रहा है, और वहीं जो खींचतान कांग्रेस के बीच में चल रही थी वो भी खत्म हो गई है। खैर मुख्यमंत्री